मैं देख रही हूँ अब भगवान जी से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। जब तक कि तू ठीक नहीं होगी ना तब तक मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। अब मेरी वीडियो तभी आएगी जब कि तू ठीक हो जाएगी। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल निशा भोपाल ब्लॉगर में। और काम पूरा पड़ा हुआ है, काम करना है। रात से जो है ना कि तू परेशान कर रही थी बहुत ज़्यादा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो दवाइयाँ खा रही थी ना तो उसके कारण उसके ना पीठ में पूरे घमोरिया टाइप के हो गए हैं। तो रात भर उसको इतनी खुजली हो रही थी, बोले मम्मा खुजाओ मम्मा खुजाओ। तो पाउडर वगैरह जो था हमारे पास रखा हुआ था वो पाउडर हमने लगा दिया था उसको, नहीं फिर भी बहुत ज़्यादा उसको पेन हो रहा था और खुजली भी हो रही थी तो रो रही थी। तो इस वजह से भी ठीक से हम रात को सो नहीं पाए थे। तो मैं सुबह बहुत लेट उठी हूँ क्योंकि किट्टू जो है ना सुबह सुबह सोई थी और मैं भी किट्टू के साथ सो गई, तो उसके साथ सो नींद लग गई मुझे भी, फिर मैं लेट उठी हूँ। तो आज मेरा काम रख पड़ा हुआ है अभी पूरा, तो काम करना है मुझे, तो जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे दुकान पे भी बैठना है। और कल प्रिया जी ने बोला था शायद, पता नहीं मुझे ये नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप थोड़ा सा ना अंदर का भी शूट कर लो वीडियो, घर के अंदर का जब आप काम करते हो ना तो वो वाला वीडियो। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गए मैंने ब्लॉग ऐड नहीं किया। रूटीन जो है ना वो मैंने शेयर नहीं करी है, तो रूटीन नहीं बोलेंगे क्योंकि रूटीन जो होता है अपना मॉर्निंग से स्टार्ट होता है, बट अभी मॉर्निंग से टाइम हो चुका है। देखो मैं मिरर में दिख रही हूँ ड्रेसिंग के, टाइम हो चुका है तो रूटीन नहीं, बस हाँ मैं लेट काम कर रही हूँ तो चलो लेट ही मैं आज ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो पूरा घर इतना फैला हुआ है ना, मैं क्या बताऊँ सच में, बाहर का भी झाड़ू वाड़ू कुछ भी नहीं लगा है और इतनी गर्मी इतनी हुमस हो रही है यार, अपनी हालत ख़राब हो रही, तो बच्चों तो फिर कैसे सहन करेंगे हाँ। अभी बीच में ना लगातार पानी गिर रहा था ना तो सही था, ठंडा मौसम हो गया था और अभी फिर से जो है ना इतनी हुमस इतनी गर्मी, मेरा फेस देखो। कूलर एक मिनट के लिए बंद नहीं करते हैं, अभी मैंने बंद किया क्योंकि काम करना है मुझे और फिर कितना चलाएँगे यार। चलिए ठीक है फिर काम स्टार्ट करते हैं ना, ध्यान रखो। तो गाइस यहाँ पर जो है रात को कपड़े उठाए थे बाहर से, जो आंगन में सूखने के लिए कपड़े रखे हुए थे, तो वही कपड़े जो है रात को घड़ी नहीं कर पाई थी तो मैं अभी सुबह कर रही हूँ। बेडशीट वगैरह धोया था क्योंकि उस दिन किटू ने ना बेड पे उल्टी कर दिया था तो मैंने बेडशीट हटा दिया था, और जबकि मैंने उसी दिन बेडशीट चेंज करी थी तो इसलिए फिर धोया है। और ये दोनों बेडशीट ना एक जैसे लगते थे, सब लोग मुझसे कहते हैं कि आप एक ही बेडशीट मतलब बिछाते हो क्या रोज, तो मैंने बोला कि इन लोगों को आज दिखाई देते हैं भाई कि दो बेडशीट हैं एक जैसे लगते हैं इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता होगा है ना। तो क्योंकि इस टाइप के कलर मैंने इसलिए ख़रीदे हैं क्योंकि अभी किट्टू छोटी है, अभी ना किट्टू छोटी है तो बिस्तर गंदा करती है, खाना पीना खाती है, कोई भी चीज़ें दुकान से ला के तो ना वो सब चीज़ों से ना बिस्तर ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैंने ना ये वाला कलर चूज़ किया था। और इसी ये कलर से ना उधर दिखता नहीं है, गंदा भी हो जाता है तो दिखता नहीं है। वैसे भी मैं एक दो दिन में तो चेंज करती हूँ, हफ्ते में दो बार जो है बेडशीट धुल जाते हैं, रोज़ नहीं धोती पर एक दिन दो दिन छोड़ के ऐसे मैं बेडशीट धो लेती हूँ क्योंकि गंदा बच्चा है ना, बच्चा दिन भर खेलता और फिर कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए है ना। हफ्ते में दो बार बोल रही हूँ, ये तो गलत बोल रही हूँ मैं, हफ्ते में पता नहीं दो तीन बार तो धुल जाता और बल्कि ज़्यादा धुल जाता, कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर किट्टू कुछ गिरा देती है तो फिर तो रोज़ ही धोना पड़ जाता है, ऐसा हो जाता है। और मेरे को ना बेडशीट इतने दिन तक नहीं बिछा के रखती हूँ, और यहाँ पर जो है किट्टू मस्ती कर रही है। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, अभी उठा लेंगे, रुक जाओ, दिखाओ क्या खा रही हो। पाइनएप्पल किट्टू मंगोड़े खा लिए मैंने,
गंदी किट्टी हो, मम्मा को नहीं देती हो। तो गाइज मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एक गुड न्यूज़ है, मैं कुछ नया खरीद के लाई हूँ घर में। लेकिन उस टाइम पे जो है मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि क्या है, बाद में बताऊँगी बोला था। फिर नेक्स्ट वीडियो मैंने बताया भी था कि मैं क्या खरीद के लाई हूँ, लेकिन हाँ मैंने उसको क्लियरली जो अच्छे से दिखाया नहीं था, आज मैं दिखा देती हूँ। क्या काम कर ही रही हूँ, बेडशीट लगाना है मुझे, मैंने कहा चलो दिखा देते हैं। देखो तो ये गद्दा लेके आए हैं हम लोग, खत्म, फिनिश कर दिया। देखो किट्टू ने, गुड, ऐसे। तो ये वाला गद्दा हम लोग लेके आए, इसकी पॉलिथीन हमने इसलिए नहीं हटाई क्योंकि किट्टू बहुत मस्ती करती है और सूसू वगैरह भी करती रहती है ना, फिर बारिश का टाइम भी है। ये चादर है ऊपर, देखो ये, तो इससे ना जब रेगुलर अगर 2-3 दिन पानी गिरता है ना, तो इसमें से ना ऐसे ओस टाइप के गिरते हैं जिससे कि ना कपड़े गीले हो जाते हैं। तो ये भी वजह थी, दूसरी वजह ये थी बच्चों वाला घर है तो मैंने पॉलीथीन ही निकाली। बाकी आर भी कह रहे थे कि आवाज़ आ रही निकाल दो, मैंने कहा नहीं ख़राब हो जाएगा क्योंकि अभी किट्टू छोटी है, कुछ भी चीज़ खाती पीती रहती है, गिराती रहती है, तो अच्छा है कि पॉलीथीन लगाई आई है। तो इसलिए जो है मैंने पॉलीथीन निकाली और बहुत अच्छा गद्दा है, कार्लोन का है और बहुत ही अच्छी जगह से हम खरीद के लेके आए हैं इसको। इसका जो ब्लॉग है, पता है मैंने सोचा था बनाने के लिए, बट ना किट्टू को शायद मेरे गोद में बैठी हुई थी, गोद में बैठने की जिद कर रही थी जब मैं गाड़ी में बैठी थी ना, तो वो गोद में बैठने की जिद कर रही थी, तो इसलिए फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि देखो रिस्क नहीं ले सकते, खुद की जान के साथ ले सकते बच्ची के साथ नहीं, तो बस इसलिए। तो कैसा लग रहा, मुझे तो बहुत अच्छा, जब से ये आई है ना तब से चैन की नींद आ रही है क्योंकि पहले आप लोग देखते हैं ना कैसे हम लोग सो रहे थे। तो ये जो है हम लोगों को ज़्यादा महंगा नहीं है, फिर भी आप इसको ये 5,000 रुपये का है और कार लोन का है, हम लोग ये सिटी से लेके आए थे और सच में बहुत दिन से सोच रहे थे और जब आ गया ना तो बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि हम लोग ऐसे गद्दे बिछा रहे थे, वो वाले रुई वाले जो गद्दे होते हैं ना वो बिछा रहे थे इसके ऊपर, तो बहुत दिक्कत हो रही थी उसमें क्योंकि वो ना ज़्यादा मतलब ज़्यादा मोटा नहीं था, सिंगल था, तो वो अच्छा नहीं लगता था उसमें ना, हम नींद नहीं आती थी। तो ये अच्छा है, तो चलिए फिर वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है सुबह का पहला काम यही होता है कि घर को पूरा जो क्लीन करो, अच्छे से जो है सब सामान को सेट करो। और मैं ना डस्टिंग कर नहीं पाई थी आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और डस्टिंग करना रोज़ ज़रूरी होती है क्योंकि किट्टू ना ड्रेसिंग पे भी चढ़ जाती है, कुछ भी आइसक्रीम खा रही है कुछ भी खाती तो कांच पे लगा देती है, तो गंदा हो रहा है कांच। और मुझे डस्टिंग करना था बट मैं कर नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी। देखती हूँ अगर इवनिंग में मुझे टाइम मिलेगा तो इवनिंग में जो है मैं कांच साफ़ करूँगी, रोज़ कांच साफ़ करना पड़ता है और धूल वगैरह भी आती, हवा चल रही है बाहर तो, और गेट आजकल दोनों तरफ का खुला रहता है ना, तो इसलिए पूरी धूल मिट्टी सब घर में आते हैं तो बहुत गंदा होता है, रोज़ डस्टिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखोगे बेडशीट बहुत ही अच्छे तरीके से जो है लग गया है, जब से गद्दा आया ना तब से बेडशीट बिछाने का मज़ा ही कुछ और है, पहले तो मज़ा ही नहीं आता था, अजीब सा लगता था बेडशीट बिछाने में, अब अच्छा लगता है। तो मैंने ना एक बेडशीट मंगाया है ऑनलाइन, वो मैं आज शेयर करने वाली थी लेकिन मैं भूल गई, नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी और वो भी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, क्योंकि मैं ना अभी नहीं बनाना चाहती जब तक कि तू ठीक नहीं होगी ना, और मैं टाइम भी नहीं दे पाती हूँ पता है, उस पर ध्यान देना पड़ता है, उल्टी दस्त भी हो रहे हैं उसको और बहुत सारी प्रॉब्लम है यार। आप मदर हो अगर आप तो आप समझ सकते हो, एक हाउस वाइफ हो तो आप समझ सकते हो, और मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है पता है, लेकिन ना मैं उसके चक्कर में मैं अपनी तबीयत भूल गई हूँ, आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हो। मैं मुझे भी ना मतलब एक दो दिन से तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है, लेकिन कल से तो कुछ ज़्यादा ही लग रही है क्योंकि रात भर सो नहीं पाए थे, इसलिए तो थोड़ा सा लग रहा है जैसे मेरे को भी ना फीवर वगैरह आने वाला है, लेकिन मैं भगवान से प्रे कर रही हूँ कि मुझे अभी ना आए और किट्टू ठीक हो जाए बस। और यहाँ पे देखिए, ये देखो किट्टू को बारीक बारीक से दाने हो रहे हैं और ये जो है ना इसको
खुजली मच रही है इसके कारण, और रेड रेड से लग रहे हैं। आप लोग बताना, ये घमोरिया ही है ना, मुझे तो घमोरी लग रही है, बाकी आप लोगों को बताना। और डर भी लग रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे जो है एक सोफ़ा तो क्वार्टर में रखा हुआ है, उस दिन पानी भर गया था तो हमने वहाँ रख दिया था, तो उसको भी उठा के लाना है। अब मैं सोच रही थी कि अभी जो सावन निकल जाए, सावन सोमवार का व्रत कर लेती हूँ, राखी के टाइम पे उसको अंदर ले आऊँगी, यहाँ पे रख दूँगी कमरे में, क्योंकि पूजा वगैरह करती हूँ ना तो दिक्कत होती है मुझे। ये देखो यहाँ पे क्लीन हो चुका है, बेडशीट लग गया है, और यहाँ पे सोफ़ा भी सेट हो गया है। अब मुझे किचन साफ़ करना है, तो यहाँ पे जो है बस मैं किचन साफ़ करने के लिए आ गई हूँ। सुबह इन्हें दूध वगैरह बनाया था ना किट्टू के लिए, रात भर तो मैं बनाती हूँ, 3 से 4 बार बनाना पड़ता है, क्योंकि किट्टू रात को खाना जो है ना खाती है, हमारे साथ खाती है, बट बच्चे हैं, भूख लगती है रात को, तो वो दूध ही पीती है रात को, तो इसलिए ना रात में दूध 2-3 बार बनाना पड़ता है उठ उठ के उसके लिए। फिर आजकल डायपर भी नहीं पहनाती हूँ मैं उसको, और ना ही वो बिस्तर पे सोसू कर रही है, क्योंकि रात को ही मैं उसको ना 2-3 बार करवा देती हूँ ध्यान से, थोड़ी देर में ले जाके उसको बाहर ही बाथरूम में सोसू करा देती हूँ, तो वो बिस्तर पे नहीं कर रही है और बताने लगी है। जैसे अगर थोड़ी बहुत अगर उसकी उसको मतलब नींद नहीं लगी है, जग रही है अगर, तो वो बता देती है, तो मैं ले जाती हूँ उसको, फिर दूध तो भरना ही पड़ता है। तो वैसे भी रात की नींद मेरी ना के बराबर ही होती है, पहले दोपहर में सोती थी मैं, 1 से 2 घंटे सो जाती थी मैं, तो उस टाइम पे भी हमारे साथ किट्टू सो जाती थी, कभी कभी नहीं भी सोती थी, तो फिर दोपहर में भी कभी कभी नहीं सो पाती थी। तो भाई जब तक बच्चा छोटा है तब तक तो ये चलता रहेगा, जब तक किट्टू समझदार नहीं हो जाएगी। और यहाँ पर आप लोग देखो कि ये जो सामने पेंट लगा हुआ है ना, ये ख़राब होते जा रहा है, 1 साल हो गया, पर चल गया, बहुत चल गया, इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा, बट हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो देखते हैं इस बार दिवाली पर कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, पहले से डिसाइड नहीं है, क्योंकि उल्टा हो जाता है जो भी मैं सोचती हूँ, वही मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ना दिमाग में मेरी चलती रहती है, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का होता है, तो बस वही है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है लेकिन उसका उल्टा होता है, तो इसलिए मैं अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगी, वरना आप लोग कहोगे अरे दीदी आप तो ये बोल रही थी, आपने तो किया ही नहीं, तो बस इसलिए मैं नहीं बोलूंगी अभी। और यहाँ पे मैं किट्टू के लिए ना पानी उबाल रही थी, इसमें नीम की पत्तियाँ ऐड करी है, उसकी छाल है, क्योंकि उसको ना घमोरियाँ हो रही हैं, तो इस पानी से नहलाना है, और साबुन भी लेके आ गए हम लोग, पाउडर भी लेके आ गए हैं घमोरियों के लिए। और यहाँ पे जो है इसको पानी को थोड़ा अच्छे से उबालने के बाद, जब ये अच्छे से उबल जाएगा ना, तब फिर किट्टू को मैं नहला दूँगी इसी पानी से, और मैं भी नहा लूँगी, 1-2 दिन तक इसी पानी से नहला देते हैं ताकि पूरी तरीके से ठीक हो जाए, और 1-2 दिन में अगर ये अच्छी हो जाती है तो ठीक है, वरना फिर डॉक्टर को दिखाते हैं। घर में जो घरेलू उपाय हैं वो कर रहे हैं, और अगर क्योंकि घमोरियाँ हैं ठीक हो जाएगा, वैसे तो ठीक हो जाएगा, और बाकी गर्मी इतनी इतनी हुमस पड़ रही है ना, तो बहुत ज़्यादा हम ही लोगों को घबराहट हो रही है, और किट्टू को वैसे भी सहन नहीं होती गर्मी बिल्कुल भी, स्टार्टिंग से ही, वो आईसीयू में थी ना तब, जब बाहर लेके हम जब आईसीयू से आई थी घर, हॉस्पिटल में जब थे हम, तो वहाँ पे भी ना इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, तो फ़ैन लेके आए थे पापा इसके लिए, टेबल फ़ैन, बट हॉस्पिटल वालों ने रखने नहीं दिया था। कभी कभी सोचती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि कितने बुरे बुरे दिन, बुरे हालातों से गुजर के आज ये दिन आया है, तो सब कुछ फिर ये लगता है कि अब तो ठीक ही है, पहले के मुकाबले ठीक है अब, और लाइफ है, चलता रहता है, छोटी मोटी चीज़ तो चलती रहती थी, और अभी वैसे भी बीमारी चल रही है, वायरल फीवर जैसा है, जहाँ सुनो वहाँ पर बीमारी सुनने को मिल रही, किसी को के भी मतलब हर घर में एक ना एक बच्चा बीमार है, तो सब लोग ठीक हो जाएं, बस ये दुआ करेंगे भगवान जी, ये जो अभी समय चल रहा है इसको जल्दी से निकाल दो, क्योंकि ये महीना जो होता है ना, ये बीमारियों से भरा ही होता है, पिछले साल भी इसी महीने में किट्टू भी बीमार पड़ी थी और मैं भी पड़ी थी, और बाद में आर भी बीमार पड़ गए थे,
तो यहाँ पे आप देखोगे कि पानी अच्छे से उबल गया है। अब बस किट्टू को नहला देती हूँ मैं, उसके बाद जो है बाकी काम करूँगी ताकि वो फ्रेश फ्रेश अपने आप को महसूस करे, है ना। बाकी तो काम होता रहेगा, तो सबसे पहले मैं उसको नहला देती हूँ और फिर काम स्टार्ट। तो गाइस फाइनली मैं शॉप पे आ चुकी हूँ और अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 5 बजने वाले हैं। और सोचो मैं एंड में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अभी मैं दुकान में जब आई थी ना उसके बाद से ही मैं जो सुबह से मोबाइल नहीं चलाया था मैंने, रील्स सुबह अपलोड किए थे, एक या दो अपलोड किए थे, दो आईडी मेरी उस पर, उसके बाद थोड़ी देर मोबाइल चलाया और फिर मैंने रख दिया था। उसके बाद से फिर अभी दुकान में आने के बाद मैंने मोबाइल चलाया तो उसी में लगी रहा ही पूरा। और अभी जो है मैंने सोचा कि चलो जो ब्लॉग मैंने बनाया था उसको मैं एंड कर देती हूँ। तो किट्टू गिर जाओगी, किनारे में बैठी हो बिल्कुल, इस पर भी ध्यान दे रही थी, तबीयत ठीक नहीं है ना इसकी, इस वजह से भी मैंने छोड़ दी है। तुम गिर नहीं जाओगी है? और ये फिनाइल से क्यों खेल रही है, इसको दूर कर, इससे नहीं खेलने, इसको रखे रहने दो इधर, ये चीज़ है ना ये तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है, इससे मत खेलना बिल्कुल भी। सच बता रही हूँ आज मेरे को इतना रोना आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि बैठ के और रो लूँ, सर इतना तेज़ दुख रहा है रात से ही। और वैसे भी अभी ये जो हफ्ता है ना मेरा, ये हफ्ता क्या, जब से सावन स्टार्ट हुआ है, जब से पहला सोमवार का मैंने व्रत रखा तब से लेके अभी तक आज का जो दिन है, अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जो मैं चैन से जो है सोई हूँ या मैंने आराम मिला हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं। इतना इतनी ज़्यादा जो है ना परेशान हूँ मैं, यूट्यूब पे बताती नहीं हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कुछ चीज़ें हम नहीं बता सकते, पता नहीं कुछ लोग कैसे शेयर कर देते हैं यूट्यूब पे, बट हम तो नहीं कर सकते शेयर। तो इस बीच में किट्टू की तबीयत ख़राब हुई, घर बारिश हुई, घर में पानी भर गया था, उस दिन पहला सोमवार था, उस दिन भी बहुत हालत ख़राब हुई थी। वीडियो अगर नहीं देखी तो देखिएगा आप लोग। तो मैं सीधे लफ्जों में कहूँ तो बस ये कहूँगी कि ये जो सावन का जो महीना जो है ना, ये जो स्टार्ट हुआ है अभी, ये मेरे लिए बहुत बुरा था। अभी तक तो बुरा था, वांगे का नहीं पता, बहुत बुरा था मेरे लिए, जबकि इतना कुछ सोचा था मैंने। तो ठीक है गाइस, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है और 2-3 दिन से मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ तो और मुझे अजीब लग रहा है। अब मैं देख रही हूँ, अब भगवान जी से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, जब तक कि तू ठीक नहीं होगी ना तब तक मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। अब मेरी वीडियो तभी आएगी जब कि तू ठीक हो जाएगी। दिख भी नहीं रही हो यार तुम, अंधेरा हो रहा है। हाँ इधर से दिखोगी, इधर से भी दिख रही, कैसा चेहरा उतर गया मेरे बच्चे का। रंगीन पेपर दे दिए।